आफ्टर ANM। तो अगर आप ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM कोर्स कर रहे हैं या 12th के बाद 10th के बाद अगर आपने ANM में एडमिशन का सोच रहे हैं, क्या है उसमें करियर एस्पेक्ट, ये कोर्स के एडमिशंस के प्रोसेस क्या है, आज हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ANM के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए हेल्थ केयर में। वेलकम टू डॉक्टर, आई एम डॉक्टर संदीप पटेल, फाउंडर एंड CEO एट डॉक्टर। तो पहले तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ANM जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स होता है और उसमें एडमिशन के लिए आप आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हो। डिप्लोमा कोर्स है, 12th में अगर कोई स्टूडेंट फेल भी है तो भी ये एडमिशन ले सकते हैं ANM में 10th के पासिंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे। तो अगर आप 12th में फेल हो जाते हो फिर भी नर्सिंग में आपका करियर ANM के थ्रू आप बना सकते हो। अब ANM कोर्स का करिकुलम बेसिकली 2 चीज़ों पे डिजाइंड है, एक है ऑब्स्ट्रेटिक नर्सिंग केयर और दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जहाँ पे वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ अवेयरनेस और ये सब चीज़ें जो गांव, विलेजेस, स्मॉल टाउन, पेरिफेरी में जहाँ पे भी कम्युनिटी हेल्थ सुपरवाइज़र, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट जो भी वर्क कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड ANM के बेसिस पे होता है। तो अब ANM कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या, ANM कोर्स करने के बाद मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि इट इज़ बेटर कि अगर आप GNM कोर्स भी कर सके। GNM मतलब जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी GNM कोर्स है, वो कोर्स आप ANM के बाद 2 साल का कोर्स होता है और वो डिस्टेंस लर्निंग भी अवेलेबल है उसमें। तो आप ANM प्लस GNM के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी हेल्थ केयर में काम करने के लिए एज ए नर्स, सर्टिफाइड नर्स, बाकी जो भी फील्ड है स्पेशलाइज्ड फील्ड उसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। अगर आप कहोगे कि नहीं ANM के बाद आपके लिए जॉब करना ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिकली, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जॉब ANM के बाद जॉब करते करते GNM में एडमिशन एज ए डिस्टेंस लर्निंग बेस पे ले सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। अगर GNM करना ही नहीं है तो फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज है डायरेक्टली आपके लिए गवर्नमेंट में, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, पेरिफेरी में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के जो बाकी हेल्थ प्रोग्राम्स है वहाँ पे ANM के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक हेल्थ सेंटर, उस जगह पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑब्स्टेट्रिक मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, मैटरनिटी होम्स हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि आपका करिकुलम ऑब्स्टेट्रिक केयर, नर्सिंग केयर पे बेस्ड है। तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट और जो नर्सिंग होम्स हैं उनको ज्वाइन करने में आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। और बाकी आप जो हेल्थ केयर में जो NGOs है जो वर्क कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन, कुछ डिजीज़ पे हेल्थ एडवाइजरी और हेल्थ असिस्टेंट और हेल्थ काउंसलिंग जो भी देते हैं, ऐसे हेल्थ केयर NGOs में भी एज ए आप हेल्थ केयर असिस्टेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। और स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14,000 से 15,000, वेरी करेगा सिटी टू सिटी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर ये एक बेसिक रेंज आप देख सकते हो कि 12th के बाद 2 साल के डिप्लोमा के बेसिस पे सियोरिटी है जॉब की 14,000 से 15,000 की सैलरी की। तो ऐसे ही हेल्थ केयर करियर और प्रोफेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए डॉक्टर के साथ। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू अ डॉक्टर चैनल, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हेल्थ केयर में करियर चूज डॉक्टर।